हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजी ग्रिड के इंटरफेस के बारे में, जिसे हम एंगुलर के अंदर यूज करते हैं। तो बेसिकली एजी ग्रिड जो है उसने अपना एक पब्लिक इंटरफेस दिया है, जिसके थ्रू हम ग्रिड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मेथड्स, प्रॉपर्टीज और इवेंट्स आते हैं। तो अगर आप ये देखो, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं इंटरफेस में। एक होता है ग्रिड ऑप्शंस, दूसरा ग्रिड API, ग्रिड इवेंट्स, रो नोड। तो इन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। ग्रिड ऑप्शंस के अंदर प्रॉपर्टीज और कॉलबैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेजिनेशन इक्वल टू ट्रू, ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया है, और गेट रो हाइट, ये हमारा एक कॉलबैक है। अगर मैं API की बात करूँ मेथड्स की, तो API के थ्रू मैं गेट सेलेक्टेड रोज एक मेथड है, उसे इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ, तो क्या रोज सेलेक्टेड है या नहीं है, उसके लिए रोज सेलेक्टेड इवेंट हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली रो को एक्सेस करने के लिए रो नोड या रो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। इसे यूज कैसे करना है, इसका एग्जांपल है रो नोड डॉट सेट सेलेक्टेड ट्रू। तो एक पार्टिकुलर रो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, कॉलबैक्स और APIs की, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इनके अंदर हम लिटरल वैल्यूज डालते हैं और ये बाउंड नहीं होती है। तो बाउंड का मतलब क्या होता है कि जब अगर आपके एट्रीब्यूट के आगे हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये इसे बताता है कि ये एक बाउंड एट्रीब्यूट है, उसे जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब एट्रीब्यूट्स का एक एग्जांपल है रो सेलेक्शन मल्टीपल। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मल्टीपल डायरेक्टली दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है ये डायनेमिकली कॉल होती है, डायनेमिकली असाइन होती है। तो कॉल कॉलम डेफिनेशंस के अंदर जो हम अपने कंपोनेंट क्लास में कॉलम डेफिनेशंस डालते हैं, वो कॉलम डेफिनेशंस में अप्लाई हो जाता है, सेव हो जाता है। कॉलबैक्स को हम यूज करने के लिए गेट, सेम हम बाउंड प्रॉपर्टीज की तरह यूज करेंगे, गेट रो हाइट। और इवेंट हैंडलर्स जैसे हम एंगुलर में यूज करते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर लाइक दैट, ऑन ब्लर, उसी तरीके से हम यहाँ सेल क्लिक्ड एक जैसे इवेंट है, उसे हम कॉल कर सकते हैं, और जिस सेल को क्लिक किया है उस सेल को हम पास कर सकते हैं एज इवेंट। API के थ्रू API में बेसिकली हम एक या तो ग्रिड API यूज कर सकते हैं, या एक हमारा कॉलम का भी API होता है। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखो, हमने इस AG ग्रिड एंगुलर को एक टेम्पलेट रेफरेंस दे दिया है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे क्या है, ये बुलियन वैल्यूज है, रो एनिमेशन, पेजिनेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी बुलियन वैल्यूज होती है वो फॉल्स होता है, ओके। ताकि अगर आप सीधा रो एनिमेशन लिखो तो ये ऑफ रहेगा, अगर आपको उसको ऑन करना है तो इक्वल टू ट्रू कर सकते हो, पेजिनेशन इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। रो सेलेक्शन यहाँ मल्टीपल दिया है, कॉलम डेफिनेशंस ये हमारा प्रॉपर्टीज है, सो टूल पैनल, अगर आपको पैनल दिखाना है, रो हाइट कैलकुलेट करने के लिए गेट रो हाइट, और ये सेल क्लिक और कॉलम रीसाइज, ये कुछ इवेंट्स हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक ग्रिड को एक्सेस या कॉलम API को एक्सेस करने का तरीका क्या है, हमारे पास एक ऑन ग्रिड रेडी मेथड होता है। जैसे ही हमारा ग्रिड रेडी होता है, उसमें ये कॉल होता है आपका इवेंट ऑन ग्रिड रेडी। तो इस मेथड को कॉल होते ही ये जो हम पैरामीटर पास करते हैं, उसके थ्रू पैराम्स डॉट API के थ्रू हम API को एक्सेस कर सकते हैं, और कॉलम की API को एक्सेस करने के लिए पैराम्स डॉट कॉलम API हम यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक बटन है, और क्योंकि आपने यहाँ रेफरेंस टेम्पलेट रेफरेंस दिया हुआ है, तो इस AG ग्रिड को आप माई ग्रिड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो माई ग्रिड डॉट API, इस ग्रिड का API। अब इस API के थ्रू हमने क्या मेथड कॉल किया, डी सेलेक्ट ऑल। तो अगर आपका जो ग्रिड है वो पूरा सेलेक्टेड है, तो उसे आप इस बटन के क्लिक पे डीसेलेक्ट कर सकते हो। ग्रिड ऑप्शंस एक वन स्टॉप शॉप कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप एक साथ कर सकते हो। जैसे आप अपने कंपोनेंट क्लास के अंदर जाओगे और वहाँ पर रो डेटा, कॉलम डेफिनेशन, पेजिनेशन, रो सेलेक्शन, ये सारे प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। इवन आप इवेंट्स को यहीं पे सेट कर सकते हो, जैसे ऑन रो क्लिक्ड, ऑन कॉलम रिसाइज्ड,
ऑन ग्रिड रेडी, और कॉलबैक्स भी आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे गेट रो हाइट। और आपको ग्रिड के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देना है बाउंड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो ग्रिड ऑप्शंस में आपने यहाँ ग्रिड ऑप्शंस मेंशन किया है, और ये सारी चीज़ें आप अपने कंपोनेंट क्लास में डिफाइन कर सकते हो एंड इट विल वर्क। और एक एग्जांपल है यहाँ पे एपीआई के थ्रू आप जैसे रीड्रॉ रोज कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा ग्रिड कभी भी रिफ्रेश हो जाता है। और अगर आप साइज कॉलम्स टू फिट करना चाहते हो, अगर जैसे आपका ग्रिड आप चाहते हो कि आपका मोबाइल पे भी डिस्प्ले हो, टैबलेट पे भी डिस्प्ले हो, लैपटॉप पे भी डिस्प्ले हो, बिग साइज स्क्रीन्स पे भी डिस्प्ले हो, तो आप साइज कॉलम्स टू फिट भी यूज कर सकते हो। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे एसिंक होते हैं, जिससे आप अपने आपकी जो ऑपरेशन है कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप क्लिक करके आप बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, और जैसे ही कॉल बैक आपका इन्वोक होता है तो वो आपकी फंक्शनैलिटी कॉल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड इंटरफेस का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अगली वीडियो में मैं ग्रिड ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।